Hi everyone, welcome here to online classes. Myself Sandeep Kumar. Now we will start here the term compounds. In the previous classes we have discussed about the organic compounds, inorganic compounds. Now the terms compound is, what is compound? इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या चीज़ है. तो अगर हम बात करें किसी भी सब्सटेंस की, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ? मैटर. कोई भी सब्सटेंस, जस्ट लाइक अभी हमने एग्जांपल लिया था लास्ट क्लास में, ये भी आपका एक सब्सटेंस है, हम भी आप सब्सटेंस है, ये भी सब्सटेंस है, बिल्डिंग भी आपकी एक सब्सटेंस है, मतलब ईच एंड एवरी थिंग इज अ सब्सटेंस और मैटर. सब्सटेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. तो किसी भी सब्सटेंस की जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है, हैविंग डेफिनेट कंपोजिशन, जिसमें क्या हो, कंपोजिशन क्या हो, उसका फिक्स्ड हो, मतलब वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, कौन कौन से उसमें एलिमेंट हैं, कौन कौन से उसमें एटम हैं, अगर वो डेफिनेट है तो ऐसे प्योरेस्ट सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स बोलते हैं, तो कंपाउंड बोलते हैं. तो सिंपल सी एग्जांपल है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट कंपोजिशन. एग्जांपल के तौर पे हम बात करें NaCl, AlCl3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल टॉइज, एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो NaCl, आप लोग देखे भी होंगे, NaCl आप डेली अपने खाने में यूज भी करते हैं, आप लोग देखे भी हैं. तो वहाँ पे अगर हम इसके फार्मूले की बात करें, NaCl का फार्मूला होता है, इसमें इसका कंपोजिशन क्या है? फिक्स है. यहाँ पे एक एटम सोडियम का है और दूसरा एटम क्या है? Cl का है, और दोनों का रेशियो क्या है? 1:1 है. कहने का मतलब क्या है? कंपोजिशन यहाँ पे फिक्स है और इसमें कोई भी चीज़ मिलाया हुआ नहीं है. तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट कंपोजिशन इज नोन एज कंपाउंड्स. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कंपाउंड्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सब्सटेंस. क्या होते हैं सब्सटेंस अथवा मैटर, अगर हम इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा. सब्सटेंस, सब्सटेंस होते क्या है? जैसे हमने बात किया कि हर एक चीज आप जो भी देख रहे हो, हर एक चीज क्या है? सब्सटेंस है. तो क्या है, होते हैं सब्सटेंस? एनीथिंग, कुछ भी हो सकती हो, एनीथिंग व्हिच हैव, व्हिच ऑक्युपाइज एंड हैव सम मास, हैव सम मास एंड which can be felt by one or more of our five senses. कहने का मतलब क्या हुआ, सब्सटेंस की बात करें हम अथवा मैटर की बात करें, तो वो कुछ भी हो सकती है ना, एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज द स्पेस एंड हैव सम मास, जिसमें क्या है, वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, जिसमें कुछ ना कुछ मास हो, और उसको हम लोग क्या है, फेल्ट कर सकें, उसका एहसास कर सकें कि ये एक सब्सटेंस है, एक मैटर है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्सटेंस. तो दिस इज द डेफिनेशन हेयर, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट टर्म. अगर हम बात करते हैं एक बेसिक जानकारी की बात करें, तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये कैसे बनते कैसे हैं, तो इनका एक बेसिक फ्लो स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं. अगर हम जैसे बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स किसको बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स, और इन्हीं को बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स किसको बोलते हैं? जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन.
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं अथवा एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। अब होता क्या है, आप लोग जानते भी होंगे थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर क्या बनता है, एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या बनता है, एटम बनता है। क्या बनता है, एटम बनता है, व्हिच मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। एटम की डिफिनेशन क्या होती है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर क्या बनता है, एटम बनता है। और जब कई एटम आपस में मिलते हैं तो उनसे क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बन जाता है। क्या बनता है, मॉलिक्यूल। इसकी डेफिनेशन अगर क्या, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें हम, तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होती है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। इसके साथ क्या है, ये फ्री अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। जबकि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये ऑलवेज स्वतंत्र अवस्था में अथवा फ्री स्टेट में रहते ही रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर क्या बनते हैं, एटम्स बनते हैं। और ढेर सारे एटम्स अथवा कई एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब अगर एक मॉलिक्यूल बन गया तो वैसे ही ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, कंपाउंड। क्या बनाते हैं, कंपाउंड। और अगर हम ढेर सारे कंपाउंड्स को आपस में मिक्स कर दें, आपस में मिला दें, जस्ट लाइक अगर हम बात करें NaCl और AlCl3, या फिर NaCl KCl ले लो, कोई भी दो अथवा दो से अधिक कंपाउंड्स को अगर आपस में मिला देते हैं तो उससे क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। क्या बनता है, मिक्सचर। तो ये एक बेसिक फ्लो डायग्राम है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप कह सकते हैं, कि सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उन्हीं से मिलकर क्या बनता है, एक एटम बनता है। अगर हमको इस एग्जांपल के तौर पे समझें, तो अगर हम बात करते हैं सोडियम की, सोडियम एक क्या है, एटम है। सोडियम एक क्या है, एटम है। अब ये किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस क्लास नॉलेज अगर हम बात करें, तो सेंट्रल में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, इसकी फर्स्ट सेल होती है और एक दूसरी सेल होती है और एक तीसरी सेल होती है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंद रहते हैं और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसमें पहली सेल में कौन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। एटॉमिक नंबर इसका आपको पता ही है, 11 होता है, दो इलेक्ट्रॉन। और दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आठ इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और लास्ट सेल में, थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। तो हम देख क्या रहे हैं कि अगर ये सोडियम का एक एटम है, सोडियम का एक एटम है, तो ये किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। एंड दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स अथवा एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक एटम बन गया। ऐसे ही देयर आर सो मेनी एटम्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर ऐसे ही बात करें, सपोज दैट एक सोडियम का एटम हो गया, ऐसे ही जब इसी सोडियम एटम के साथ एक कोई दूसरा एटम, सीएल एटम मिलेगा, तो क्या बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं सोडियम एटम की तरह, अगर आपका एक सोडियम एटम हो गया और उसी के साथ एक सीएल एटम मिल गया, तो क्या बन गया, NaCl। NaCl क्या है, एक मॉलिक्यूल है। Na क्या है, एक यहाँ पे एटम है। और बेटा इस बात में कभी कन्फ्यूज मत होना, देयर इज बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं बच्चे ही क्या, अच्छे अच्छे लोग मॉलिक्यूल के बारे में और कंपाउंड्स के लेके कन्फ्यूज होते हैं। कभी कभी हम लोग NaCl को मॉलिक्यूल भी बोलते हैं और फिर NaCl कंपाउंड भी बोलते हैं। तो आप इतना समझो कि कंपाउंड्स जो होते हैं वो, उसमें नंबर ऑफ दी क्या होते हैं, नंबर ऑफ दी मॉलिक्यूल्स मिले हुए होते हैं। जस्ट लाइक अगर हम बात करें कंपाउंड NaCl की, तो उसमें क्या होगा, एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं। अगर हम लोग क्या करते हैं, एक चम्मच नमक लेते हैं, एक चम्मच NaCl लेते हैं, तो हम बोलेंगे भाई ये तो NaCl कंपाउंड है, लेकिन क्या उसमें केवल एक ही मॉलिक्यूल है NaCl का, नहीं, उसमें देयर आर दी सो मैनी नंबर ऑफ दी मॉलिक्यूल्स ऑफ दी NaCl। तो कहने का मतलब क्या हुआ, लेकिन वो क्या होगा, प्योरेस्ट फॉर्म में होगा ही। जब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं किसी एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। तो यहां पे क्या होते हैं, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और आपको पता ही है, आप सेम कंपाउंड, आप यहां पे इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल।
और आपको पता ही है जब अलग अलग टाइप के टू आर मोर, जब दो या दो से अधिक कंपाउंड्स आपस में मिक्स हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, मिक्सर बनता है। नाउ वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्डिंग। थैंक यू।